हेलो एवरीवन, माय नेम इज शाबाज और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटी कॉइन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कोटी कॉइन का लेकर, और पिछले 28 दिनों में मेरे यूट्यूब चैनल पे सबसे ज़्यादा जो वीडियो देखी गई है वो कोटी कॉइन को लेकर ही देखी गई है। तो आज की इस वीडियो में आपको ऑल ओवर अपडेट देने वाला हूँ कोटी कॉइन को लेकर, जो भी अपडेट हैं और इसकी फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्शन क्या रहने वाली है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो के बीच में आपको टेलीग्राम से रिलेटेड एक अपडेट भी देने वाला हूँ, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और आप भी हमारे जैसा प्रॉफिट अर्न कर सको स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में और साथ ही साथ क्रिप्टो मार्केट में भी। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अभी कोटी कॉइन की, और वीडियो के बीच में हम बात करेंगे टेलीग्राम चैनल की क्या अपडेट है। तो टेलीग्राम चैनल की जो अपडेट है वो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम की अपडेट होने वाली है, क्योंकि इससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो देखो, यहाँ पर अभी मैंने कोटी कॉइन को ओपन करके रखा है, कॉइन मोमो वेबसाइट से मैं ये डाटा ले रहा हूँ सारा, और उसी वेबसाइट पर आपको मैं सारी चीज़ बताने वाला हूँ। देखो, INR के पेयर में और USD के पेयर में, दोनों के पेयर में बताऊंगा, क्योंकि मैसेज बहुत आते हैं। अगर INR के पेयर में बता दूं खाली तो फिर आते हैं मैसेज कि सर USD के पेयर में नहीं बताया, क्योंकि कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो फॉरेन कंट्री से हैं तो कुछ पाकिस्तान से हैं, तो उन सभी के लिए USD के पेयर में भी बताने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ पर अभी कोटी कॉइन की रैंक चल रही है 249, और जब बुल रन स्टार्ट होगा 150 रैंक के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इस चीज़ को लिख के रख लेना। सबसे पहले INR के पेयर में बात करने वाले, 7.13 रुपये अभी ये चल रहा है, और इसके ऑल टाइम हाई की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर आपको डाटा दिखाता हूँ, इसका लगभग 54 रुपये के आसपास ये गया था, 54 रुपीज़ के आसपास, और यहाँ पर जो डाटा है वो लगभग 49 रुपीज़ 83 पैसे है, ठीक है। और इसके ऑल टाइम लो की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑल टाइम लो था इसका 39 पैसे। सो गाइस, हम यहाँ पर बात करते हैं कि मतलब कोटी कॉइन की प्राइस कितनी जा सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको इसका चार्ट भी अभी दिखाने वाला हूँ। और देखो, इसकी फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्शन की बात किया है तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है, 10x to 15x तक का हमें रिटर्न यहाँ पर इजीली इससे मिल सकता है। क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ एक चीज़ इसकी शेयर की थी कि कोटी कॉइन एडा कॉइन के साथ मिलकर वर्क कर रहा है, एक स्टेबल कॉइन खुद का लॉन्च किया है, डीजे मैनेट लॉन्च किया है, और अभी हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छी अच्छी अपडेट है, और इसके 7 इवेंट्स भी होने वाले हैं। अब हम यहाँ पर उन इवेंट्स की बात कर लेते हैं, और ये सारे के सारे इवेंट जो होने वाले हैं वो सितंबर के महीने में, मतलब कि इसी मंथ के लास्ट तक होने वाले, 30 सितंबर में ये इवेंट होने वाले हैं। और हमने एक चीज़ और नोटिस की है कि कोटी कॉइन के जब भी इवेंट होते हैं, एक इवेंट हो या 10 इवेंट हो, इसकी प्राइस पे इंपैक्ट ज़रूर पड़ता है, चाहे वो 5% का इंपैक्ट पड़े, बट इसकी प्राइस में हमें एक छोटी सी रैली ज़रूर देखने को मिलती है। तो हो सकता है कि आपको इस मंथ के अंदर कोटी कॉइन 10 to 30% तक का ईजिली प्रॉफिट दे दे, और किस लेवल पे हमें इसे बाय करके चलना है वो भी आपको इस वीडियो के लास्ट में या बीच में कहीं भी बताने वाला हूँ। तो देखो, इसके 7 इवेंट है, कोटी पे बिजनेस V2 और गवर्नेंस टोकर, फिर मल्टीडेक 2.0, फिर न्यू ब्रिज रिलीज करने वाले हैं ये, और न्यू एक्सप्लोर जो है उसे भी रिलीज करने वाले हैं। यहाँ पर V2 वाला ही इवेंट है, कोटी पे बिजनेस वाला, और फिर इंटरप्राइजेस टोकन, इनको ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ये 7 इवेंट इसके बहुत ज़्यादा बेस्ट इवेंट होने वाले हैं। आपको INR के पेयर में और USD के पेयर में एक साथ बता दूंगा इसकी वैल्यू कितनी जाएगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी, सबसे पहले USD के पेयर में कि इसकी वैल्यू अभी क्या चल रही है और इसका हाई क्या था। तो USD के पेयर में अगर इसकी बात करें तो हम यहाँ पर अभी इसकी करंट वैल्यू चल रही है $0.08932 और 3% से मार्केट अभी यहाँ पर डाउन है, मतलब कोटी कॉइन डाउन है, क्योंकि BTC भी अभी डाउन ही है, और इवेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। और देखो, इसका ऑल टाइम हाई जो होता है वो लगभग 70 सेंट के आसपास था, और यहाँ पर 66 सेंट आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया कॉइन मोमो हमेशा ऑल टाइम हाई को कमी शो करता है, लो जो होता है उसको तो मतलब ठीक ठाक ही शो करता है, मतलब आसपास ही जो उसका लोएस्ट पॉइंट होता है, बट हाईएस्ट जो पॉइंट होता है उसको थोड़ा कमी शो करता है यहाँ पर, बस एक यही प्रॉब्लम है इस वेबसाइट में। बाकी यहाँ पर इसके ऑल टाइम लो की बात किया तो $0.00005634 के आसपास यहाँ पर इसका ऑल टाइम लो है, और अभी तक जो इसने हमें गेनिंग दी है वो लगभग 1500% की गेनिंग दी हुई है। हमने पिछली बार भी इसको 4 रुपये पे बाय करके लगभग 50 रुपये के आसपास सेल किया था, लगभग कोई 12x to 30x तक का हमने यहाँ पर 13x तक का हमने यहाँ पर प्रॉफिट गेन किया था। 10,000 रुपये की हम सब की इन्वेस्टमेंट थी, 10,000 रुपये की, और लगभग कोई 1,20,000 रुपये का हमें प्रॉफिट मिला था हमारी इन्वेस्टमेंट से अलग। तो इस बार हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, और जिन लोगों ने इसको हाई प्राइस पर बाय करके रखा है उन लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, इससे पहले यहाँ पर एक ओवरव्यू दूँ आपको, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको इसके चार्ट पे लेके चलता हूँ। और हाँ, देखो, चार्ट पे ले जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता था कि टेलीग्राम की एक अपडेट है, तो मैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल आपको अपना दिखा रहा हूँ। न्यू टेलीग्राम चैनल है ब्रेकआउट ट्रेडर अकेडमी के नाम से, ठीक है। बहुत जल्दी हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू होने वाली है, हमारा कोर्स जो है वो लगभग ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है,
स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेडी है, कंप्लीट फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड भी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है, बहुत जल्दी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। अभी फिलहाल ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट मंथ से या फिर नेक्स्ट वीक से, जो भी होगा टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दूंगा। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, उस नंबर पे कॉल करके अपनी सीट वगैरह बुक करा सकते हो या मैसेज डीएम करके व्हाट्सअप करके जैसे भी आपको अच्छा लगे। अभी देखो यहाँ पर बात करते हैं कि टेलीग्राम चैनल की अपडेट क्या थी। तो आप यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ कितने ज़्यादा चार्ट मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। क्यों शेयर करता हूँ? ताकि आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट हो। देखो यहाँ पर EUR USD की अपडेट दी थी, TP हिट हुआ। फिर यहाँ पर एक ये था गोदरेज CP स्टॉक मार्केट की अपडेट दी थी, इसमें भी TP हिट हुआ। फिर ये था EUR USD, इसमें भी TP हिट हुआ, मतलब दो बार इसकी वो दी थी। और यहाँ पर शायद NZD USD में देखो लॉस हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि मार्केट हमारे फेवर में आई थी लगभग 30%, उसके बाद मार्केट ने फॉल कर दिया तो इसमें लॉस हुआ है। GBP USD इसमें भी लॉस हुआ है, क्योंकि मैंने बताया USD के पेयर में तो मार्केट फेवर में नहीं थी। और हाँ देखो इसमें तो लॉस हुआ ही नहीं, क्योंकि हमें एंट्री जो लेनी थी ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लेवल के ब्रेकआउट के बाद लेनी थी, तो हॉरिजॉन्टल लेवल का ब्रेकआउट बहुत छोटी सी कैंडल से हुआ था, तो हमने इसलिए एंट्री अवॉइड की थी और एंट्री ली ही नहीं थी, एंट्री नहीं एक्टिवेट हुई थी इसमें हमारी, तो इसमें हमें नो लॉस नो प्रॉफिट। इसके बाद देखो EUR USD की ये है, इसमें भी हमें प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर ये देखो रिलायंस था, रिलायंस में लगभग 90% हमारा TP हिट हुआ था, ठीक है। इसके बाद मार्केट वापस से उसी रेंज में चली गई और ये रिलायंस ही है। फिर यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा चार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड करने में आसानी रहे। देखो अभी मैं यहाँ पर कोई फ्यूचर कॉल आपको नहीं दे रहा हूँ और ना ही कोई ऑप्शन ट्रेड दे रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, वो भी बहुत जल्दी देने शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी बिगनर्स हो। तो मैं सोच रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को अभी वही ट्रेड दूँ जिसमें मतलब इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा हो। क्योंकि देखो निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप ऑप्शन ट्रेड करोगे तो लगभग उसमें आप लोगों के पास 1.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में आपकी अमाउंट होनी चाहिए तो ही आप ट्रेड कर सकते हो, बट हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है। तो आप यहाँ पर 10,000 रुपये लेकर आओ स्टॉक मार्केट में या फिर फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करो, जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप लोगों को सिग्नल दे रहा हूँ सारे फ्री में। आप यहाँ पर देख लो USD CHF का सिग्नल दिया था, इसने टारगेट दिया है, ये दिया था, इसमें ट्रेलिंग करके हमने SL दिया था, मतलब प्रॉफिट वाला SL। यहाँ पर हमने इसमें SL शिफ्ट किया था, इसमें USD कैडे शायद ये EUR GBP हाँ वही है, इसमें हमें पूरा टारगेट मिला था। तो मतलब मैं यहाँ पर आपको गाइड भी करता रहता हूँ कि आपको कब SL शिफ्ट करना चाहिए या फिर खाली मतलब SL और TP इन दोनों में से एक चीज़ लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। और देखो यहाँ पर कितना बड़ा प्रॉफिट मिला था, ये रहा लगभग कोई हम 1:3 से लेकर 1:20 तक का रिस्क रिवार्ड रेशियो का प्रॉफिट यहाँ पर गेन कर रहे हैं। तो आप लोग भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आप लोग भी ऐसी प्रॉफिट अर्न कर सको। तब तक आप यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखते, वो सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ इसी चैनल पे। तो इसको हम क्लोज करते हैं। और देखो ये सारी चीज़ मैंने अपडेट आपको क्यों दी है इस वाले चैनल की, मतलब ये तो क्रिप्टो वाला चैनल नहीं है जबकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्रिप्टो वाले की, तो वो इसीलिए क्योंकि क्रिप्टो वाले चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, इसीलिए आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। और उन्हीं सब्सक्राइबर में कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट में भी, तो इसलिए अलग चैनल बना दिया है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे अगर आप क्रिप्टो सॉल्यूशन वाले चैनल पे हो तो वहाँ पे ऑलरेडी इसकी लिंक शेयर कर दी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और यहाँ पर हम इस चार्ट के एनालाइज करते हैं, मतलब कोटी कॉइन का जो चार्ट है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो 1 डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर बहुत सिंपल वे में एनालाइज करके आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया लगभग डबल बॉटम और लगभग मार्केट यहाँ पर ट्रिपल बॉटम अपना बनाने वाली है। अब एक चीज़ याद रखना, देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पर हमें ये चीज़ देखनी है, मार्केट एक बार यहाँ पर वापस से आएगी इसे रीटेस्ट करने, इस लेवल को। जैसे ही यहाँ पर आने के बाद एक 1 डे की कैंडल क्लोजिंग हमें ग्रीन में मिलती है तो हमें यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजिशन, लॉन्ग नहीं सॉरी इन्वेस्टमेंट करनी है कोटी कॉइन में कम से कम 10K की। इन्वेस्टमेंट वालों के लिए बता रहा हूँ, फ्यूचर ट्रेड वालों के लिए नहीं है, इन्वेस्टमेंट करनी है। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको टारगेट कहाँ तक का रखना है उसकी बात करते हैं। तो आपका जो टारगेट लेवल रहेगा, देखो फर्स्ट टारगेट लेवल तो ये है और सेकेंड टारगेट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो इस लेवल को आप यहाँ पर ईजिली टारगेट बना सकते हो इन्वेस्टमेंट जो करें उन लोगों के लिए प्रॉफिट के लिए। अगर यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करूँ तो मैं ऑलमोस्ट अगर यहाँ कहीं हमें एंट्री मिलती है सेकेंड TP का अगर हम वेट करेंगे तो लगभग 40% की गेनिंग है। अगर हम फर्स्ट TP पे निकल जाते हैं तो लगभग 24% की गेनिंग है। अगर आपको 20% भी गेनिंग मिलती है तो 10,000 पे 20% मतलब 2,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, एग्जिट ले सकते हो, ठीक है।
मेरा टारगेट रहेगा ये वाला लेवल, बट ये टारगेट लेवल जब रहेगा जब BTC अच्छा परफॉर्मेंस देगा या इथेरियम अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अगर दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव परफॉर्मेंस देता है और हमें 20% का टारगेट मिलता है तो मैं उसको लेके एग्जिट कर लूँगा यहाँ पर ईजिली। तो बहुत सिंपल वे में यहाँ पर मैंने एनालाइज जो है कोटी कॉइन के आपको करके दिखा दिए। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्शन क्या हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊँ तो कोटी कॉइन की फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्शन जो रहने वाली है INR के पेयर में, सबसे पहले यहाँ पर बताऊँ आपको, 100 रुपीज़ के लेवल को ईजिली टच कर सकता है 2023 से 2024 के बुल रन में। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर अभी इतना पोटेंशियल बाकी है। अगर यहाँ पर हम बात करें डॉलर के पेयर में, USD के पेयर में, तो $1.5 मतलब कि $1.5 के आसपास का लेवल कोटी कॉइन हमें इजीली दिखा सकता है। अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत बेस्ट कॉइन है, बल्कि हमें तो ये कहूँगा आप इसमें SIP करो कम से कम 100 रुपये पर मंथ की, और आपको मतलब आने वाले 2-3 साल के अंदर ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा सकता है, क्योंकि एडा कॉइन के साथ पार्टनरशिप है, चेन लिंक के साथ पार्टनरशिप है, और DJ मैनेट जो लॉन्च हुआ है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा पार्टनरशिप है छोटे छोटे कॉइन्स के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट वर्क कर रहा है। और इनका खुद का मतलब एक तरीके से सेविंग अकाउंट है, जैसे पेटीएम का सेविंग अकाउंट है, डेबिट कार्ड है और पेमेंट ऐप है, तो ये सारी चीज़ें कोटी पे के अंदर, मतलब इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाला है कोटी कॉइन। और मैं खुद पर्सनल इसमें SIP भी करने वाला हूँ 1000 पर मंथ की, और 2025 के लास्ट तक मैं इस SIP को कंटिन्यू करने वाला हूँ। लगभग कोई मैं ये SIP जो स्टार्ट कर दूंगा नवंबर या दिसंबर से, जब भी स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल को। सो गाइज यही थी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो गाला कॉइन से रिलेटेड आने वाली है, और एक KDA कॉइन है इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसके ऊपर डिटेल में वीडियो आए, जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा उस टॉपिक पे। सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।